ओ हाँ भाई, सब हैं। स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तुम्हारे जो है पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर है A4। A4 में बोल रहा है, ए पॉइंट चार्ज क्यू एग्जर्ट सम फोर्स ऑन ए सेकंड पॉइंट चार्ज क्यू टू। मतलब Q1 को Q2 पे लगाना है बस। तो सपोज ये मेरे पास में Q1 है, ये मेरे पास में Q2 है। ओके, इफ ए थर्ड पॉइंट चार्ज, इफ ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर द फोर्स ऑफ Q1 एग्जर्टेड ऑन Q2 विदाउट चेंजिंग देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन, बताओ क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? सपोज, ओके, सपोज यहां से इनके बीच का डिस्टेंस है R, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा Q1 Q2 पे, बताओ? K1 तो ये लगाएगा K Q1 Q2 by R2। सपोज एक चार्ज मैंने यहाँ पे लाके रख दिया Q3, अब इसके ऊपर एक इसका फोर्स ना लग जाएगा ना यहाँ की तरफ। सपोज देख, यहाँ पे मैंने Q4 लाके रख दिया, इसका फोर्स कहाँ की तरफ लग जाएगा? यहाँ की तरफ लग जाएगा। क्या Q3, इन सबके चार्जेस पे भी तो डिपेंड करेगा ना सर। हाँ, जो भी है प्लस माइनस आएगा है ना। तो मुझे ये बताओ कि Q3 और Q4 के आने से क्या Q1 के फोर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ा इस वाले पे? नहीं, नहीं सर, भाई तुम ये कह सकते हो कि पार्टिकल पे ना रिजल्टेंट फोर्स विल चेंज, यस ऑब्वियसली, बिकॉज देयर आर मोर चार्जेस नाउ ना, बट फोर्स ऑफ Q1 विल नॉट चेंज। उसके सेहत पे क्या फर्क पड़ा? वो तो उतना ही है ना, K Q1 Q2 by R2। सर अभी जैसे मैंने आगे वाले पिक्चर में भेजा है, अगर माइनस होगा Q2 तो अट्रैक्ट होएगा वो Q1 तो के होने साथ। दो। ओके चलो ठीक है, तुमने बोला कि ये Q1 है, ये मेरे पास में Q2 है, ये इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगेगा? यहाँ पे लगाएगा K हाँ सर, Q1 Q2 by R2। अब यहाँ पे मैंने एक और चार्ज रख दिया Q3, इसका फोर्स कहाँ लगेगा? सपोज यहाँ पे लगेगा। क्या इस Q3 के आने से इसका फोर्स कम हुआ या इंक्रीज हुआ? नहीं, सर मतलब मैंने ये अज्यूम किया कि Q2 आगे थोड़ा आगे जाएगा ना, दोनों रिजल्टेंट क्यों दोनों का जाएगा? नहीं रिजल्ट। नहीं नहीं एक सेकंड, तुम उसके आखिरी लाइन देखो, विदाउट चेंजिंग देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, उसने लिखा हुआ है ब्रैकेट में स्पेसिफिकली कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उनके बीच का डिस्टेंस वही है, तो उनके बीच का फोर्स तो उतना ही रहेगा हाँ ना, सर, हाँ सर, मैंने वो इसलिए कंसिडर यस। नहीं किया। आगे और कौन सा स्टार वाला? सर हाँ, A9, A9। A9 में वो बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टू कुलाम, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास में भाई, ठीक है, ऐसे बना रखते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है, सपोज इसकी साइड है ए, ओके, और चार्जेस कैसे कैसे रखे हुए हैं बेटा? उसके राइट साइड वाले पिक्चर में लिया है ओके, सर, दो इक्विलैटरल ए ट्रायंगल। दो है ना। हाँ, इनको ऐसे रखा हुआ है कि दोनों का जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पे ही है, एक साथ ही है, ज्वाइन कर सेम है, ठीक है, और पॉइंट दिए हुए हैं ए, नहीं ये बी है, ये ए बी सी डी ई एफ। अब इनके ऊपर चार्जेस भी रखे हुए हैं, चार्जेस का ऑर्डर जो तुमने लिखा है वो सही है? कंफर्म हाँ सर, करते हैं, 2 माइक्रो कूलाम ए के ऊपर, 2 कूलाम बी पे, प्लस 2 कूलाम एबीसी के सी दोनों तीनों पे, पे, 2 कूलाम और बाकी तीनों पे बाकी तीनों पे -2। -2 -2 -2, ठीक है। ओके, हमको क्या निकालना है, कहाँ निकालना है फोर्स? तो फोर्स फ्रॉम सेंटर पे पॉइंट सेंटर पे। ओके, कैसे निकालोगे बताओ? सेंटर पे जो चार्ज है उसका भी वैल्यू 2 है। सर ठीक है, ओके, इसका वैल्यू भी सपोज मान लो तुम्हारे पास में 2 कूलाम है, तो मेरे पास में टोटल कितने चार्ज हैं? 6 चार्ज है ना, 7 हुए ना।
हाँ अरे तो उसके ऊपर तो फाइंड ही करना है, जो अंदर हाँ वाला सही पॉइंट हाँ पी है उसके ऊपर कितने चार्जेस फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट पे, 6 लगाएंगे ना, ओके 6 लगाएंगे। चलो देखते हैं, तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ, ये वाला और ये वाला, इनका निकाल लूँ तीनों का, फिर बाद में मेरे बाकी तीन का निकाल लेंगे, ठीक हाँ सर है। तो पहले मैंने निकाला, तो पहले मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ये वाला, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे कितना है, 2q माइनस 2q और 2q, बताओ क्या आएगा रिजल्टेंट। तुमको पता है सेंट्रोइड के ऊपर तीनों का रिजल्टेंट सेम आता है ना, तो इसका फोर्स कहाँ की तरफ आएगा, एक सेकेंड, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, ये यहाँ की तरफ आएगा, ये यहाँ की तरफ आएगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 120 120।120 फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना, ये फोर्स अगर एफ है तो ये फोर्स भी एफ है, क्योंकि अपना डिस्टेंस सेम है। अच्छा जब एफ और एफ होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, एफ ही होता है क्योंकि एंगल 120 है ना। हाँ सर ओके, अब ये तो माइनस क्यू कहाँ की तरफ फोर्स है, ये तो यहाँ पे अपनी तरफ लगाएगा, उसका भी हम अट्रैक्टिव एफ आएगा, हाँ सर तो वो उसमें ऐड हो जाएगा तो वो ऐड हो बेसिकली जाएगा। तो ऐड हो जाएगा ना। तो मैं इन शॉर्ट में ये लिख सकता हूं कि एक ट्रायंगल की वजह से इस वाले पॉइंट की तरफ फोर्स आएगा, कितना आएगा, 2F, राइट। अब उस वाले ट्रायंगल को लेता हूं ना, दूसरे वाला ट्रायंगल, ये ऐसे वाला ना, स्टैंडिंग पोजीशन वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे चार्जेस हैं, माइनस टू क्यू और प्लस टू क्यू, इसका निकालता हूं, तो इसमें माइनस यहाँ की तरफ एफ, यहाँ की तरफ एफ, इसका कहाँ की तरफ आएगा, रिपल्शन यहाँ की तरफ, वापस वही तो डायरेक्शन में आ रहा है वो वापस कितना बन जाएगा, 2F। तो अब ये 2F और ये वाला 2F, तो मतलब कितना बन गया तुम्हारे पास, 4F, मतलब मेरे पास F नेट बनेगा, दैट विल बी 4F। तो मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बन जाएगा, फोर्स क्या होता है, के Q1 कितना है, 2 कूलाम, Q2 कितना है, 2 कूलाम, अपॉन डिस्टेंस, ये क्या है, सेंट्रोइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, जो भी होता है उसको लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो, हाँ सर फिर k का वैल्यू डाल के करेक्ट करना पड़ेगा ना समझा सर जब तुमने क्या किया, मैंने आधा किया फिर मैंने सब साथ में सॉल्व करने का कोशिश किया तो नहीं, ऐसा नहीं फिर करते भी ना सेम इंडिविजुअल। भाई देखो, अगर कोई भी तुमको कोई, अगर वो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि 1 2 3 4 5 6 कूलाम, उसको पता है यार उसको सॉल्व करने में तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम कितने कंपोनेंट करोगे, तो देर हैज टू बी स्मार्ट वे। वो चाहता है, उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल इसीलिए दिया है कि यू शुड यूज एंगल 120 वाला फंडा, या फिर कहते 60 वाला फंडा, क्वेश्चन वाला तुम्हारी स्मार्टनेस चेक करेगा, वो तुम्हारी कैलकुलेशन चेक नहीं करेगा। तुमने देखो क्या क्या कर दिया है सर भाई ये। सर उसके आगे जो मैंने पिक्चर भेजी जिसमें सिर्फ ट्रायंगल है उसमें वही किया है सर मैंने जो आपने किया है बट मैंने उसमें मैथ्स का पार्ट नहीं दिखाया है मैंने सिर्फ आपको पूछा था कि ऐसे होगा क्या हाँ, तो अपना डायग्राम एकदम तुमने सही दिखाया है कि एक उधर एक इधर एक इधर, है ना, और डॉटेड वाले वो दूसरे ट्रायंगल का भी उसी साइड आ रहा है तो यस। दोनों का तो मिला उसका भी, के फोर एफ आ अब तुम जाएगा कह दोगे कि जो जो तुमने डायग्राम भेजा है उसमें सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले का उसके बीच में एंगल कितना, 120। तो यू नो कि ठीक है, वो 120 का भी उधर ही आएगा, तो इसका कितना बन जाएगा एफ, और बाकी तीनों का भी कितना आएगा एफ, तो हाँ एकदम सर सही है, गुड। और सर 15th वाले में मेरा एक्स का वैल्यू नहीं आया कहाँ है 15 उसी वाला, के नेक्स्ट मैंने भेजा आपको नेक्स्ट स्टार वाले के बाद तो कोई क्वेश्चन है ही मैं वापस भेजती हूँ नहीं। अरे बाकी लोग, तुमको कुछ डाउट वाउट है कि नहीं, कुछ किया कि नहीं, सर भेजा आपको फिफ्टी, 15 हाँ ये है हमारे पास में A15।
The distance between two fixed positive charge E and 4E and E is L. तो ये लो हमने बना दिया. ये है 4E, ये कितना है E, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है L. और ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज. हाउ शुड अ थर्ड चार्ज Q बी अरेंज फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम. बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ आ सकता है अगर दोनों ही चार्ज मेरे पॉजिटिव हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा बताओ? सेंटर में, बीच में कहीं आएगा, एकदम सेंटर में नहीं आएगा, बीच में कहीं आएगा. क्योंकि अगर मैं यहाँ लेऊंगा तो ये भी रिपल्सिव, ये भी रिपल्सिव, यहाँ करूंगा ये भी रिपल्सिव, ये भी रिपल्सिव, यही कुछ लोच आएगा यहाँ पे. तो सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका फोर्स कहाँ की तरफ आएगा? इसको सपोज मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, तो यहाँ की तरफ आएगा एफ ए और यहाँ की तरफ एफ बी, और इनकी वैल्यू कभी ना कभी इसको सपोज मैंने एक्स बोल दिया, तो ये कितना बन जाएगा एल माइनस एक्स. तो अगर दो वेक्टर का समेशन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल तो मैं कर दूंगा कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. तो सपोज इसका मैग्नीट्यूड क्यू, तो क्या बन जाएगा? के फोर ई क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के इंटू ई इंटू क्यू अपॉन अपना एक्स स्क्वायर. सही है? हाँ सही. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई? बन जाएगा 4x square equal to l minus x का square. अब इसका रूट लो दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा 2x equal to l minus x. तो x की वैल्यू क्या बन गई? l by 3. क्या हुआ इसमें? सर मैंने एक इसका नेगेटिव, मतलब वो k e cube by x square को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव आएगा ना, तो मैंने दोनों का प्लस करके जीरो कर दिया. तो ऐसा तो नहीं, अगर अगर प्लस करके जीरो करना है तो फिर तो वेक्टर फॉर्म में लिखो. हाँ सर, वो तो सीधा लगाओ ना कि एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो दोनों का नंबर हाँ सेम कर दो ताकि जीरो बन जाए. ठीक है, अब देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, नेगेटिव है तो स्टेबल आएगा. तुमको को बताया था कल मैंने स्टेबिलिटी वाली कंडीशन, तुम डिस्प्लेस करके देखो कि वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. वापस आ रहा है तो स्टेबल है, नहीं आ रहा तो अनस्टेबल. ठीक है, हाँ भाई और कुछ? सर इतने ही थे. अरे हाँ, बाकी लोग का सो रहे हैं क्या? जोएब, इशुजोत. हेलो सर. हेलो, हाँ हाउ आर यू? गुड गुड. कैसा मौसम है सर? सुबह बारिश हो रही थी, अब नहीं हो रही. ओके, देखो इसके लिए कितने आंसर है तुम्हारे पास में. मैं वरना फिजिक्स के बारे में कुछ पूछता हूँ कि हाँ बेटा कितने क्वेश्चन किए, कितने डाउट है, तो एक आंसर नहीं होता तुम्हारे पास में. कल मैथ्स कर रहा था, और उससे पहले केमिस्ट्री, आज फिजिक्स की बारी है. क्या लकी ड्रॉ निकालते हो क्या डेली उठते उठते? आज किसका लकी ड्रॉ निकलेगा? देखो हर रोज हर सब्जेक्ट करना होता है, ये तुम ऐसे मत क्या करो यार, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच कि एक दिन फिजिक्स किया, एक दिन केमिस्ट्री किया, मैथ्स किया. एवरी डे ऑल थ्री सब्जेक्ट मस्ट बी डन. ठीक है, कर. हाँ चलो, तो फोर्स वाली चीजें हमने कर ली थी, ठीक है ना, कि नहीं होता है. आज एक न्यू चीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब ये बताओ कि जो तुम्हारा कॉलेज लेक्चर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो गया? हो गया ना, कल मैंने देखा था तुम्हारा लेक्चर नोट्स, उसके अंदर है ना गॉस लॉ करवा रखा था उसके अंदर. यस, तो मतलब तुमको पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. बताओ क्या होता है? हाँ भाई सुजोत. हाँ सर. बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड?
अटेंड किया था लेक्चर कॉलेज वाला? बताओ ना फिर सर, गॉस लॉ वाला फार्मूला याद है? अरे फार्मूला के मैं पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, जितने एरिया में उसका इफेक्ट फील होता है वो तो फील्ड है भाई, चार्ज को जिस एरिया में अट्रैक्शन या रिपल्शन है। सपोज ये हमारे पास में अर्थ है, अर्थ ठीक है, अब अर्थ के ऊपर कोई मास रखे हुए हैं, सपोज ये मास है तुम्हारे पास में M1, ये मास है M2, ये मास है M3। मास तो एक उसकी प्रॉपर्टी है ना, खुद की प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मेरे पास इतना मास है, लेकिन इस मास के ऊपर जो अर्थ है वो फोर्स कितना लगाएगी, इसके ऊपर कितना लगाएगी? M1 जी, इसके ऊपर M2 जी, और इसके ऊपर ये ना M3 जी, तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो पार्टिकल या फिर अर्थ? अर्थ, अर्थ। अगर मैं इस M2 को हटा के, सपोज मैंने इस M2 को यहां से हटा के यहां पे एक मास रख दिया X, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग जाएगा? X into G। तो व्हाट इज कॉमन हियर? जी, तो जी जो है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड वो क्यों आया? बिकॉज ऑफ द अर्थ। अर्थ कहेगी कि दिस इज माई रीजन, इस रीजन में जो भी कोई आएगा उसके मास को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? फोर्स, राइट? तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं तो ये एक मेरे पास में सपोज एक क्यू चार्ज है, ये मान लो फिक्स है, सपोज एक बार के लिए फिक्स है। अगर इसके पास में एक चार्ज मैंने यहां ला के रखा, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस मेरे पास में है R1, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा क्यू पे? K Q Q by R square। अगर इसी क्यू को हटा के यहाँ पे ऊपर अगर मैं एक चार्ज लेके आ गया X, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? KQX/R square, राइट? तो कौन सी चीज कॉमन है यहाँ पे? आई कैन रिप्लेस क्यू, जो स्मॉल क्यू जो मैंने रखा ना, पहले स्मॉल क्यू रखा फिर एक्स रख दिया, तो वो तो मेरा एक्सटर्नल है कि एक्सटर्नल कौन आया उसके ऊपर फोर्स है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? तो ये बोलता है कि अब मेरा फील्ड, एक्चुअली जो फील्ड का जो डेफिनेशन है वो हम ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, या फिर कह सकते हैं कि इन स्पेस एट एनी पॉइंट, ठीक है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जैसे कि अगर यहां पे ग्रेविटेशन फील्ड की अगर मैं निकालना चाहूं वैल्यू जी, तो क्या हुआ? अगर मैं 1 kg मास की बात करूं तो 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखें, 1 ग्राम नहीं किलोग्राम, क्योंकि सब कुछ अपने उसमें ले रहे हैं ना एसआई सिस्टम में, तो 1 किलोग्राम मास के ऊपर जो भी तुम्हारा फोर्स लगेगा उसका जो नंबर आएगा, ठीक है, नंबर क्या आएगा? 9.8। दैट 9.8 इसलिए मैंने लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू, डायमेंशन तो अलग हो जाएंगे ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये। तो देखो अगर मुझे ये निकालना है तो सिंपल सी बात है, सपोज अगर मैं इसको अगर ऐसे करूं डिफाइन, तो पहले इसको तो मैं लिखूंगा कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या बन जाएगा? फोर्स वेक्टर अपॉन क्यू। क्यू को मैंने पॉजिटिव इसलिए लिया कि पॉजिटिव लेने से माइनस प्लस का झंझट खत्म हो जाता है ना, अगर तुमने माइनस लिया तो उल्टा हो जाता है वेक्टर। तो ये डेफिनेशन। तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का निकालता हूं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो सपोज कहीं पे मेरा एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, एक पॉइंट को मैंने यहां पे रख दिया एक डिस्टेंस आर पे, ठीक है,
ठीक है, ये चार्ज मैंने सपोज बोल दिया क्यू नॉट, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बताओ? इसके ऊपर यहाँ की तरफ फोर्स लगेगा ना, अगर अगर ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो मैं कैसे लिखूंगा उसके ऊपर फोर्स? तो फोर्स विल बिकम के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और कहाँ की तरफ? राइट, आर कैप, आर कैप में जहां भी उसके कारण पोजिशन वेक्टर आ रहा है उसी तरफ ना, राइट ओके. अगर इसी चार्ज को उठा के मैंने अपना डिस्टेंस सेम रखा, मैं यहाँ लेके आ गया, सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस भी आ, तो अब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? सेम ही होगा आर कैप के डायरेक्शन में. क्या फोर्स सेम है यहाँ पे और वहां पे? नहीं, अरे नहीं ना, वेक्टर अलग अलग हो गया ना. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्या फोर्स सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर फोर्स सेम, यस, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है. तो फोर पॉइंट चार्ज, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाता है? फोर्स अपॉन क्यू नॉट, भाई मैं चार्ज को बंद कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कहाँ की तरफ? आर कैप में. अब इसके अंदर देखो किस किस चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है. के अपना मीडियम, क्यू जिस चार्ज की वजह से तुम फील्ड निकाल रहे हो, और डिस्टेंस. क्या बाहर से जो तो चार्ज लेके आया उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं. देखो ना, अगर मैं अर्थ के ऊपर चाहे मैं M1 लेके आऊं, चाहे M2 लेके आऊं, या मैं M3 लेके आऊं, क्या उससे अर्थ का ग्रेविटी इंपैक्ट हुआ? नहीं. तो ठीक है, तो हमने बोला कि अब ग्रेविटेशन फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या बन गया हमारे पास में? जी. वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वाली चीजें सेम है, बस तुमको वो जो सेकेंड वाला चार्ज होता है ना उसको हटाना होता है, बस और कुछ नहीं. अब ये देखो, अगर मेरे पास चार्ज कैसा है, एक सेकेंड, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना. ये जी सर, हो गया? हाँ भाई, हेलो. हाँ सर, ओके. नहीं सर, एक मिनट. अरे अरे, नोट्स डाल दूंगा. हो गया सर, अभी ले. हाँ, तो देखो, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, सर, फिक्स चार्ज पे. हाँ सर. हाँ, यस. और इसका चार्ज, तो चार्ज सपोज इसके पास में ये है, प्लस है. तो अगर मैं एक स्फेयर बनाऊं, भाई एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले जो पॉइंट्स है उनका लोकस क्या होता है? स्फेयर होता है ना, सर्कल. सर्कल तो अपना 2D में हो गया. हाँ, 3D में स्फेयर होगा. यहाँ पे स्फेयर हो गया, ठीक है. तो देखो, इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस सपोज आर है, तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ की तरफ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ होगा ना. ये देखो, रेडियल आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड. तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड इफ योर चार्ज इज,
हाँ बोलो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर कैप नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो चेंज होते रहे सर। हाँ तो हर पॉइंट का आर कैप मेरा अलग अलग है ना, ये यहाँ का अलग है आर कैप, यहाँ का अलग है आर कैप, यहाँ का अलग है। हाँ सर, तो वही बोल रहा हूँ, उसका मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा ना, डायरेक्शन तो नहीं है भाई आर, तभी तो मैंने हर जगह पे मैं इसको बनाया ना, ये बनाया मैं एरो बनाया, तो मैं कहूंगा कि के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है, लेकिन एरो देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ की तरफ एरो, के क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ की तरफ एरो। तो ये बना दिया ना, तो सारे के सारे रेडियली आउटवर्ड, और अगर मैं इक्वल डिस्टेंस लूंगा तो इक्वल डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर मेरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो अब बताओ अगर किसी वेक्टर के सामने रेडियली इनवर्ड होगा, क्योंकि अगर मैं इस डिस्टेंस पे किसी भी चार्ज को लाके रखूंगा ना, पॉजिटिव चार्ज को, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना उसको, तो रेडियली इनवर्ड्स अगर तुम्हारा चार्ज नेगेटिव है तो, ठीक है। अब तुमको एक चीज है, मैंने तुमको रेडिएशन वाले चैप्टर के अंदर एक चीज बताई थी, इंटेंसिटी ना, याद है, सन की वजह से अर्थ पे इंटेंसिटी। यस सर। तो सन को हमने क्या लिया था, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास में जो इंटेंसिटी आ रही थी किसके प्रोपोर्शन में आ रही थी, 1/r² भाई, बाकी सब कुछ तो वो था ना, कॉन्स्टेंट था, तो कौन सी चीज अपने वेरिएबल थी, हमने कहा था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² ना, देखो यहाँ भी इंटेंसिटी इज 1/r² क्या है ना, तो कोई भी चीज अगर वो पॉइंट सोर्स की तरह अगर बिहेव कर रही है, तो चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे तुम्हारा ग्रेविटेशन फील्ड हो, चाहे तुम्हारे पास में लाइट की इंटेंसिटी हो, चाहे साउंड की इंटेंसिटी हो, एनी काइंड ऑफ इंटेंसिटी, इफ My source is a point source, then intensity will vary as 1/r², that is the universal statement. ये हर जगह आएगा, जब हम साउंड वेव करेंगे तो भी आएगा, स्ट्रिंग वेव करेंगे तो भी आएगा, और जब अपन ग्रेविटेशन फील्ड करेंगे तो भी आएगा, हर जगह पे ये आएगा। किया था ना हमने, याद है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये यूनिवर्सल है, तो ऐसे हम निकालते हैं। अब देखो तुमने अभी जितने भी अपने वो किए थे, क्या बोलते हैं, अपने कैलकुलेशन किए थे या फिर फॉर्मूले किए थे, अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तो जो तुमने पहले क्वेश्चन किए हैं सारे, जो जहां पे तुमने फोर्स निकाला है, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो आराम से निकाल लोगे, जैसे वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन जो था, मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करोगे तुम, बेसिकली फोर्स ही फाइंड करोगे, ठीक है, तुम यहाँ पे एक चार्ज रख दोगे क्यू नॉट, और तुम उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा फोर्स, क्या आया था, सपोज यहाँ से यहाँ का जो तुम्हारा डिस्टेंस है, इसको सपोज मैंने बोल दिया x, और इसको सपोज मैंने बोल दिया r, ठीक है, हमारा आंसर क्या आया था, 4kq, ठीक है, x अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2, नहीं 3 है ना, ये इतना आया था, नहीं 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 3/2 ही आया था, नहीं आया था, तो ये क्या था, फोर्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट चीज को अपने किससे डिवाइड कर दूंगा, तो ये तो यहाँ पे क्यू नॉट और यहाँ पे क्यू नॉट, ये तो जो काम हमने पहले किए थे अभी भी हमको वही करने, कोई इसके अंदर वो नहीं आया, डिफरेंस नहीं आया है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं पता कैसे लिखूंगा, पहले मैं इसकी वजह से लिखूंगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ क्या आएगा, ये एंगल अगर मेरे पास में थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, x/cos θ, तो क्या बन जाएगा ये E1, ठीक है, फिर यहां से आएगा E2, फिर
यहां से आएगा E3 और फिर यहां से आएगा E4, इन सब का वो करूंगा ना, वेक्टर एडिशन करूंगा, तो सब वेक्टर एडिशन वाला ऐड हो जाएगा, तो सब कॉस वाला ऐड हो जाएगा, वहां पे आई वाज एडिंग फोर्स, यहां पे मैं क्या ऐड कर रहा हूं, ये तो क्यू नॉट है, ये हर जगह से कैंसिल हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली हमको निकालना वही होता है, कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, आंसर भी सारे सेम ही आएंगे, तो इसके ऊपर इतना नहीं करेंगे पॉइंट चार्ज पे, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया हुआ है, यू कैलकुलेट द फोर्स एंड डिवाइडेड बाय ये, ओके, न्यूट्रल पॉइंट की बात करो, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेयर विल बी द न्यूट्रल पॉइंट, तो अगर किसी पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स को जीरो करना है, तो इज इट कंपल्सरी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो, यस और नो? सर रिपीट करो एक बार प्लीज. इफ ओके आई एम सेइंग दैट एट न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स? जरूरी नहीं है ना, अगर हम कोई चार्ज ही नहीं, अपोजिट भी हो सकती है, अबे चार्ज ही नहीं रखोगे तो फिर तो कोई कहानी खत्म हो जाएगी ना, किसके ऊपर फोर्स निकालोगे भाई? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जीरो, अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है मेरे पास में तो फिर तो कहानी खत्म है ना, तो किसके ऊपर फोर्स निकालूंगा मैं? तो मेरे पास तो डेफिनेशन ये बनेगी ना कि फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अगर मेरे पास चार्ज ही नहीं है तो फोर्स किसके ऊपर निकाल रहा हूं भाई मैं? ठीक है, तो अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो, देयर आर नो अदर ऑप्शन, ओके? तो इसका तो आराम से कर लोगे ना पॉइंट चार्ज का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या कुछ है? नहीं सर, ओके, अब एक चीज और ध्यान से सुनो, चीज पूछनी थी कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे आपने वो होमवर्क के दो क्वेश्चंस दिए थे, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं क्या यूजुअली? आएंगे ना, अभी आगे और करेंगे ना भाई, जैसे तुमने वो फाइंड आउट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, सबसे पहले किसका किया था? पॉइंट चार्ज का, फिर उसके बाद रॉड, फिर रिंग, नहीं सर मतलब पॉइंट चार्ज में ही कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब और क्या बनाएंगे, मतलब जैसे कि भाई ये दे दिया, सपोज तुम्हारे पास में एक ये स्केल दिया हुआ है, मतलब कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस, ये हमारे पास में ओरिजिन है, मैंने चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस टू क्यू रखा है, यहाँ पे थ्री क्यू रखा है, यहाँ पे माइनस फोर क्यू रखा है, यहाँ पर फाइव क्यू रखा है, माइनस सिक्स क्यू, ऐसे इनफाइनाइट तक मैं चला गया, ठीक है, और मुझसे पूछा कि बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, बताओ फाइंड माय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा, और ये तुमको दिए गए, ये मेरे पास में एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट थे, बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम बना सकते हो ना, हम वी शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, बताओ चलो बताओ इसका आंसर बताओ, चलो जल्दी से, तुमको एपी जीपी वगैरह सब आते हैं ना, हो गया होगा मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज, करो
हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। ज़ोएब क्या आएगा? अबिन उत्कर्ष अरे कोई तो आंसर बताओ, अप्रोच बता दो सर। क्वेश्चन एक और बार कोई रिपीट करो। इनफिनिट जीपी का सम आ रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस का, तो दोनों को सेपरेट करके ऐड करना। मैं बेवकूफ हो क्या? इनफिनिट जीपी कहाँ बनेगी इसके अंदर? कौन सा इनफिनिट अपन जीपी बनेगा? सर जीपी नहीं बन रहा, एपी सर एपी भी नहीं है। सर ऐसा नहीं है सर, कुछ भी। ओके चलो यहाँ पे निकाला। रुको रुको, सबसे पहले क्या आएगा? के क्यू बाई वन का स्क्वायर, राइट। फिर क्या आएगा? के टू क्यू बाई टू का स्क्वायर प्लस के थ्री क्यू बाई थ्री का स्क्वायर माइनस के फोर क्यू बाई फोर स्क्वायर प्लस के फाइव क्यू बाई फाइव का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे सपोज मैंने के क्यू को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? वन माइनस माइनस वन बाय टू प्लस,
1/4 + 1/6 - 1/6 and so on. क्या है ये? अबे क्या है? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? प्लस और माइनस का कंबाइन कर लेंगे। दो सीरीज नहीं, कुछ नहीं है ये। तुमको एक्सपेंशन पता है? ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है? हाँ, e into 1 माइनस x। हाँ, e नहीं आता। ओके, तो ये होता है x माइनस एक्स बाय टू प्लस, ठीक है, x क्यूब बाय थ्री माइनस x फोर बाय फोर प्लस x फाइव बाय फाइव माइनस x सिक्स बाय सिक्स एंड सो ऑन। ये होता है इसका एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसमें डाल दो x इक्वल टू वन, तो फिर वो वन डाल दो तो टू बन जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक से बेसिकली के क्यू एल एन, दैट्स कोई एपी जी पी एच पी नहीं है वो। कि क्या पता नहीं क्या ये वाली चीज, ये वाला अपने में इसका एक्सपेंशन में एल एन का। हाँ हाँ, बताया सर ने अभी कुछ दिन पहले, सर बताया है वही एग्जैक्टली। मेरे को पता है भाई, बताया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चीज ना बताए मैथ्स वाले, ये तो बताएंगे, ठीक है। तो अब तुम बोलो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है वो। क्या होता है कि वो कहीं से मैथमेटिक्स वाली चीज को भी ला के इसके अंदर डाल देंगे तो तुमको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दिस इज जस्ट एन रिलेटिंग टू और थ्री कॉन्सेप्ट टुगेदर, तो है तो ईजी, क्योंकि अगर तुमको वो चीज आती है तो आती है। अब सपोज अगर इसी के अंदर सारे के सारे साइन सेम होते और मैं कुछ ऐसा कर देता है जीपी बन जाती, इनफाइनाइट जीपी, तो ठीक है हम इनफाइनाइट अपना जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको याद रखनी है सारे की, ऐसे ऐसे चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आगे आते हैं फिर, जैसे सेंटर ऑफ मास में या फिर रोटेशन में किया था, पहले तुमने किया पॉइंट चार्ज, उसके बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट लिया था? रॉड ना, ठीक है, थिन रॉड। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज का मतलब वही होता है रॉड होता है, ठीक है। तो सपोज तुम्हारे पास में एक रॉड है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, लेंथ है इसका एल, ये ऐसे रखा हुआ है। तुम्हें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक्सिस पे। तो पहले मैं केस वन लूंगा कि जो पॉइंट है वो इसी एक्सिस पे है, बाद में मैं लूंगा कि पॉइंट एक्सिस पे नहीं है, ऊपर या नीचे कहीं है। तो केस वन ऑन एक्सिस ऑफ रॉड, या फिर कह सकते हो अलोंग द लेंथ, मेरा पॉइंट जो है वो अलोंग द लेंथ है। और सपोज मुझे इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां का तुमको डिस्टेंस सपोज दिया हुआ है x ले लो करो। हाँ बताओ कैसे करोगे, थोड़ा अप्रोच बताओ। अब तो इतने सारे इंटीग्रेशन कर लिए, आइडिया लग गया होगा। सर हम वो रॉड का भी सेंटर ऑफ मास पे क्यों चार्ज लेंगे? क्यों? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे रोड को सेंटर ऑफ मास बना के वहां पे रख दिया। अगर ऐसा होता तो एक बात बताओ, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, इन चारों चार्ज को उसको मिला के यहाँ पे रख दो और इसको उड़ा दो ऊपर वाले को फिर ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ चार्ज अलग अलग चीज। हाँ तो हम क्या करेंगे, हम जाके एलिमेंट लेंगे ना यार, ठीक है। तो सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको अपने आर ले लेते हैं, आर और डी आर करके वैसे, ठीक है। तो सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एक्स इक्वल टू जीरो,
यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक मैंने एलिमेंट ले लिया dx, अब क्या बन गया dx, क्या बन गया एक dx, एक पॉइंट हो गया, dx इज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो उसके ऊपर जो स्मॉल चार्ज आएगा dq वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू dx। भाई हो सकता है कि लैम्डा कांस्टेंट हो सकता है लैम्डा मेरा वेरिएबल हो, यहां पे लैम्डा मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जिसको मैंने बोल दिया dE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे KQ/R2, तो मैंने लिखा के चार्ज कितना है इसका dQ अपॉन डिस्टेंस कितना है x नहीं है ना, dx होगा, अबे डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना है, x प्लस r का स्क्वायर आएगा ना भाई। इस जो मैंने बॉक्स बनाया है रेड वाला बॉक्स, इस रेड वाले बॉक्स की वजह से पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रेड बॉक्स अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है, तो ये देखेगा ना कि उस पॉइंट का डिस्टेंस मुझसे कितना है, तो इसने देखा कि x प्लस r है तो KQ/R2, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है k, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dx को लैम्डा इंटू dx, ठीक है, और नीचे क्या है x प्लस r का होल स्क्वायर। अब लगाते हैं लिमिट, कहां से स्टार्ट हो रहा है x, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना इस पॉइंट से, तो यहां पे x की वैल्यू जीरो, जब मैं यहां पे आ जाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा, dq इक्वल टू लैम्डा dx का चला यार, dm क्या होता है, सेंटर ऑफ मास में किया था, हां सर, तो सेम चीज उस चार्ज पे भी अप्लाई कर देगा वो, अबे लीनियर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ तुमको दिया हुआ है लैम्डा, तो फिर तुम्हारे पास में dx जो लेंथ है उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, ओके सर, तो लीनियर चार्ज का कोएफिशिएंट होगा, हां सर, यस वेयर लैम्डा विल बिकम लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहां पे क्या था लीनियर मास डेंसिटी था उसी का, यस उसी के इक्विवेलेंट है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे क्योंकि k लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन 1/x² के फॉर्म है ना, तो ये बनेगा -1/x+r, अब लिमिट x = 0 से x = L, तो क्या बन जाएगा k लैम्डा, तो पहले x = 0 डाला तो 1/r - 1/ R plus, ठीक है, अब चाहो तो ये ना लैम्डा को ना रिप्लेस कर दो, अगर लैम्डा मेरा वेरिएबल होता तो हम उसको इंटीग्रेट करते अंदर ले जाके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर तुम्हें कोई बोले कि बताओ यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्या बता दोगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट, बताओ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू नॉट, फोर्स होता है, हाँ सर, यस एवरीवन, हाँ सर। अब देखो ये जो चीजें हैं, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर मैं एक एक वो कराऊंगा, डेरिवेशन कराऊंगा, एक एक इंटीग्रेशन कराऊंगा, लेकिन फिर जो है ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा उसके अंदर कुछ नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि सारी चीजें वही हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या आ रहा है चार्ज, वहां पे क्या आ जाएगा मास, चार्ज के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है KQ1Q2/R2, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है GM1M2/R2, तो एक ही बात है, सबको सेम ही तो है, और अलग क्या, और बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तो चीजें ये होता है ना कि अपना रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, वो तो कभी रिपल्सिव होता ही नहीं है, तो सारे इंटीग्रेशन अभी करेंगे, उस टाइम कुछ नहीं करेंगे, फिर मैं सीधा ही बोलूंगा कि एक रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l, बताओ इस पॉइंट पे एक और मास रखा हुआ है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जहां पे k है वहां पे क्या आ जाएगा g, लैम्डा लैम्डा ही है, बाकी सब कुछ सेम है। सर हमने जैसे सेंटर ऑफ मास में बेसिक वाले याद किए थे, इसमें भी करना है,
जिसमें जो भी तुमको फॉर्मूला है, देखो ऐसा नहीं है, तुम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि तुमको अपने आप याद हो जाएंगे, और सेम फॉर्मूले ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आएंगे, तो इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि तुमको इंटेंशनली कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हो जाते हैं अपने आप, है ना। ओके, अब सपोज इसी का एक थोड़ा सा और वेरिएशन लाता हूँ। सपोज एक रॉड रखा हुआ है, चार्ज क्यू है, लेंथ है, यहाँ पे एक और रॉड रखा हो, चार्ज क्यू, लेंथ एल, और इनके बीच के डिस्टेंस भी एल है। ये है रॉड ए, ये है रॉड बी। मुझसे पूछा गया है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय रॉड ए ऑन रॉड बी। चलो करो। रॉड ए ने रॉड बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया? सर इसमें सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएगी क्या? सोचो सोचो, हमको एक रॉड देखो, इसका हर एक एलिमेंट, सपोज इसपे एक एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट इस रॉड के सारे एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हाउ कैन वी डू दैट? तो वी विल टेक हेल्प ऑफ द अपर होगा रिजल्ट, जो ऊपर हमारे पास में रिजल्ट आ गया ना, उसकी हेल्प लेंगे। लेकिन वो तो हम ए पे अप्लाई करेंगे ना, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। यस, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है बस। हाँ, उसके बाद में अब मुझे पता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स लगता है। क्यू नॉट इनटू ई? यस, तो वहां पे एलिमेंट होकर ले लो एक डी क्यू। मैंने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लिया dx, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा अपना dq बताओ? हाँ, q by l into dx आएगा ना। ओके, अब बताओ इस पूरे रॉड की वजह से उस पॉइंट पे कितना फोर्स लगा, तो मुझे निकालना है रॉड की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना भाई। रॉड की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे पता लग जाए, तो मैं अगर मैंने लिखा df, तो मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a इनटू अपना aq, ये dq, ये फोर्स हो गया ना, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट आ जाएगा ना बाहर? कांस्टेंट कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यार, मतलब कि x मेरा वेरिएबल है ना। तो बताओ मेरे पास फॉर्मूला क्या है, k लैम्डा, k लैम्डा क्या है, q / l, लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है मेरे पास में, 1/r। अब देखो r क्या था मेरे पास में इस क्वेश्चन में, इस एंड से उसका डिस्टेंस, राइट? ये यहाँ पे क्या है डिस्टेंस? L. L नहीं है ना, L plus x, यहाँ पे निकालना है ना मुझे फोर्स, तो वन अपॉन एल प्लस x, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, r प्लस l, आर, आर क्या है, आर क्या है, आर मेरे पास में है यहाँ पे एल प्लस एक्स, ठीक है, लेकिन उसमें एक एल को मुझे और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, टू एल प्लस एक्स। ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ सर, समझ में आया भाई सबको? देखो
ऊपर वाले में देखो, ये था आर, आर क्या था, रॉड के एंड से पॉइंट का डिस्टेंस, तो यहां से रॉड के एंड से उसका डिस्टेंस कितना है, एल प्लस एक्स, तो एल प्लस एक्स, और सेकंड वाले में आर प्लस एल, मतलब जो भी वैल्यू यहां पे आई थी उसमें मैं एल को ऐड करना है, तो कितना बन जाएगा, ट्वेल्व प्लस एक्स, तो ये मेरे पास में बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पे चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू बाई एल इन टू डी एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरे पास के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, वन बाई एक्स प्लस एल माइनस वन बाई एक्स प्लस टू एल इन टू डी एक्स, अब लगाते हैं x की लिमिट, x कहां से स्टार्ट हो रहा है, x यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से और यहां से और यहां तक जा रहा है, तो यहां पे x इक्वल टू जीरो, यहां पे x इक्वल टू एल, तो इट विल बिकम x इक्वल टू जीरो से एल, चलो बताओ क्या क्या आएगा आंसर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई एक्स प्लस एल का, ln होगा, ln, तो k q square by l square, ln x plus l minus ln x plus 2l, अब लगानी है लिमिट x equal to 0 से x equal to l, तो पहले अपर लिमिट लगा दूं, तो पहले अपर लिमिट लगाई l, तो क्या आएगा ln 2l minus 3l, फिर मैं इसको लगाऊंगा 0 को, ठीक है, तो क्या बनेगा, माइनस एल एन एल प्लस एल एन टू एल प्लस एल एन, ठीक है, ओके, अब तुमको पता है ना ए माइनस बी क्या होता है, एल एन ए माइनस बी क्या होता है, तो ये बन जाएगा एल एन, जो प्लस वाले हैं वो, तो बन जाएगा टू एल इन टू टू एल, और ये क्या बन जाएगा, थ्री एल, तो बेसिकली मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है, हाँ भाई बताओ, अरे क्लियर है, हाँ सर, बाकी लोग सो रहे हैं क्या बे, अबे हाँ तो बोल दिया करो कम से कम, अगर समझ में नहीं आया तो बोल दो सर नहीं आया, हाँ समझ गया, हाँ, तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, अब सपोज जो हमारा पॉइंट है वो रोड के यहाँ पे नहीं है, मतलब कि उसके एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस से कहीं दूर है, तो कैसे करेंगे, केस टू, सपोज हमारे पास ये एक रॉड है, तो एंगल क्या, एंगल ये सब लिख के करना पड़ेगा क्या, तो एक ही बात है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कैन ऑलवेज गेट, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये देखो सपोज ऐसे नहीं बनेगा, ये सपोज हमारे पास में एक रॉड है ना, इस रॉड से एक पॉइंट है जो कि यहां रखा हुआ है, सपोज ये एक पॉइंट है P, यहां पे मुझे निकालना है, रॉड के ऊपर हमको लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा इज क्या होता है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, मुझे क्या क्या और दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से रॉड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है आ, ठीक है, और क्या चाहिए तुमको बताओ, तुमको ये पता होना चाहिए ना कि ये पॉइंट दोनों एंड से कितना दूर है,
तो ही तो यार बता पाओगे भाई, अगर तुम्हें बोला कि एक रॉड से मैं आर डिस्टेंस पे है तो वो कहीं पे भी हो सकता है ना, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो तुमको थोड़ी बहुत चीजें और पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने दिया हुआ है कि ठीक है इस वाले जो एंड है और इस वाले एंड से ये, इससे ये एंगल बन रहा है, इससे ये एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल को मैंने बोला माइनस थीटा वन, इसको मैंने बोल दिया थीटा टू, एंड नीचे वाले एंगल को नेगेटिव बोल दिया, ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव बोल दिया, है ना। अगर दोनों ही एंगल अगर पॉजिटिव हो गए तो तो ठीक है, तो जो जो मेरा थीटा वन है उसको भी प्लस में ले लूंगा मैं, अगर वो भी मान लो ऊपर ही है तो, ठीक है ना। तो वो अपन देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। अब मुझे निकालना है कि ये मेरे पास सिनारियो है एंड हाउ टू सॉल्व दिस। अरे किस किस के घर पे लाइट गई? लाइट तो है यहाँ पे, जाने वाली सर 5 घंटे के लिए, हम तो गई थी लेकिन वापस आ गई। आ गई सर, हम लोग को बोला था 12 बजे जाएगा, पड़ गया। अच्छी बात है ना, हाँ तू बड़ा खुश हो रहा होगा 12 बजे लाइट चली जाएगी। यस, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है ना, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना हमारा काम थोड़ी चलता है। तो हमने क्या किया, ये हमने बना दिया एक रॉड, पॉइंट मैंने रखा सामने यहाँ पर, सपोज इस पॉइंट का यहां से जो तुमको डिस्टेंस दिया हुआ था दैट इज आर। अब मैं एलिमेंट लूंगा ना, तो मैंने इस वाले पॉइंट से एलिमेंट लिया, ये जो पॉइंट है यहां से x डिस्टेंस में नीचे आया और एक मैंने एलिमेंट ले लिया dx। ये जो dx है इसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यस। हाँ भाई, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ आएगा ना, रेडियल या आउटवर्ड, ऐसा। हाँ सर, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया रेडियल या आउटवर्ड, इसको मैंने बोल दिया डीई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे कंपोनेंट कर लेते हैं, एक एक्स कंपोनेंट कर लेते हैं, एक वाई कंपोनेंट। सपोज ये लो, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, ये मेरे पास में वाई एक्सिस। सपोज ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो यहाँ का एंगल भी थीटा। मैंने यहाँ का एंगल ही थीटा क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये वाले एंगल ही दिए हुए थे ना, तो ये ले लिया। तो यहाँ की तरफ क्या आएगा, डीई cos थीटा, और यहाँ की तरफ डी sin थीटा। तो मैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को अलग अलग सॉल्व करता हूँ, फिर एरन वेक्टर ऐड कर देंगे i कैप j कैप लगा के, ओके। अरे सही है। हाँ सर। तो ओके, तो पहले मैंने सॉल्व किया ey सॉल्व करने के लिए मुझे किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, d sin थीटा। sin थीटा, ओके। तो पहले तो लिखते हैं कि डी ई होगा क्या, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये वाला, ये बन जाएगा आर अपॉन कॉस थीटा, है ना, हाइपोटेनियस है ना, वो एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये चार्ज है तुम्हारे पास में, कितना चार्ज आएगा, डी क्यू चार्ज इसके ऊपर, लैम्डा इंटू डी एक्स, डी एक्स। तो मेरे पास बन जाएगा k lambda into dx, तो k q upon r square, क्या बन जाएगा, r square, r square into cos square, cos square theta, और साथ में क्या आ रहा है, sin theta, sin theta। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, थीटा और x को चेंज करते हैं, भाई हमको एक वेरिएबल के अंदर सॉल्व करना है ना, तो हम यहाँ पे जो एंगुलर पोजीशन है उसके फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आई वांट टू चेंज एक्स, तो देखो ये जो मेरे पास कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक्स बाई आर क्या बन जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा। तो मैंने लिखा एक्स इक्वल टू आर, आर टेन थीटा,
tan theta. अब इसको वो कर दो, differentiate कर दो, तो क्या बन जाएगा? dx equal to r. इसका differentiation क्या होगा? sec square theta d theta. अब मैं यहाँ पे इसको replace कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? k lambda by r square. See, r भी constant ही तो है. r क्या है? r constant है मेरे पास में, वो क्योंकि वो है point p से इसका distance. ओके, अंदर क्या बचेगा? dx क्या है? r sec square theta. बाकी अब चीजों को मैं लिख देता हूँ. अब cos square theta sin theta d theta. sec square theta into cos square theta क्या बन जाएगा? one. और ये r और नीचे r square है, तो क्या बन जाएगा? k lambda r, नहीं क्यों नहीं lambda, k lambda, k lambda by k lambda by r integration. अंदर क्या बचेगा? sin theta into d theta. अब आराम से हो सकता है integration. अब मैं लगाता हूँ limit. क्या है limit? minus theta 1 से plus theta 2. तो minus theta, अरे theta लिखना है, minus theta 1 से theta 2. okay, k lambda by r. क्या होता है cos theta का integration? sin theta का minus cos theta, minus cos theta. तो minus cos theta, लिमिट क्या आएगी? माइनस थीटा 1 से थीटा 2. अब मुझे पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा ही होता है. तो k लैम्डा बाय r. देखो, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, पहले लोअर लगा, तो ये बन जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. ये मेरे पास बन गया dy. बीच में माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई माइनस साइन तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना. देखो, ये मेरे पास में रॉड है, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, मान लो ऊपर का जो चार्ज ज्यादा है नीचे का चार्ज कम है, ऊपर वाले इसको कहाँ की तरफ पुश करने का ट्राई कर रहे हैं? नीचे की तरफ. नीचे की तरफ. और यहाँ वाले लोग कहाँ पे ट्राई करने का करेंगे? ठीक है, तो भाई हमेशा क्या क्या मतलब ऑपोजिट है ना दोनों, तो इसलिए बीच के अंदर माइनस साइन आ गया. हाँ सर. सपोज ये एंगल, ये है थीटा वन, ये है थीटा टू. अगर थीटा वन बड़ा है तो मतलब कि ऊपर वाले का चार्ज का अमाउंट ज्यादा है. अगर थीटा वन बड़ा हुआ तो ये जो है लेंथ है बड़ी हो जाएगी ना. हाँ, तो ये लेंथ, हाँ, ये लेंथ अगर बड़ी है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ आना चाहिए? नीचे की तरफ. तो कॉस थीटा वन, अगर थीटा बड़ा है तो कॉस की वैल्यू कैसी होती है? छोटी. छोटी. तो देखो cos थीटा 1 की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो मेरा आंसर किस में आएगा? माइनस में. मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ. तो ये हम क्या करते हैं कि कॉमन सेंस से पता लगा लेते हैं कि ऊपर आएगा नीचे आएगा, और हम कैलकुलेट करते हैं जस्ट वैल्यू. ठीक है, तो फॉर्मूला याद नहीं करना होता, मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि जब वाई कंपोनेंट में कुछ सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या आते हैं? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. अब मैं फर्क नहीं पड़ता मुझे कि कौन सा थीटा 1 है कौन सा थीटा 2 है, मैं उन दोनों को सबट्रैक्ट करके एक नंबर निकाल लूंगा, फिर मैं देखूंगा कि कहां के साइड का रॉड बड़ा है, उसके ऑपोजिट की तरफ मेरा फील्ड होगा. ओके, हां भाई, कूल. हां सर. अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं, अगर एक्स कंपोनेंट में यहां वाले एलिमेंट भी सपोर्ट करेंगे और यहां वाले एलिमेंट भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर प्लस आना चाहिए ना, उसको ऐड होना चाहिए. देखो अपने इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व करते हैं कि ऐड कैसे होगा. अब मुझे क्या निकालना है? फॉर ई एक्स, तो ई एक्स बन जाएगा इंटीग्रेशन डी ई क्या? कॉस थीटा. बस cos theta i. अब मैं लिखता हूँ d को, क्या बन जाएगा ये? k lambda into dx upon r square cos square theta into cos theta. भाई बाकी सब कुछ तो सेम ही है, उसमें sin theta था, इसमें cos theta है. अब मैं इसको कौन रिप्लेस करूंगा dx को? I know कि अपना dx क्या है? r sec square theta d theta. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? k lambda by r. बाकी सब कुछ कौन से अंदर बचेगा? cos theta into d theta. क्या होता है cos थीटा का इंटीग्रेशन? sin थीटा. sin थीटा. sin थीटा. अब मैं लगाऊंगा लिमिट माइनस थीटा 1 से थीटा 2. तो ये क्या बन जाएगा? k lambda sin थीटा 2 plus sin थीटा. sin थीटा 2 plus sin थीटा 1. मतलब क्या हुआ
दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ना, क्यों एक्स एक्सिस के अलोंग तो दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं ना, दोनों का बाहर की तरफ आ रहा है। अगर वाई एक्सिस की बात करूं, अगर मेरा पॉइंट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे है तो हमारा कितना हो जाएगा फिर जीरो, क्योंकि ऊपर के लोग और जो अपने नीचे के लोग हैं बराबर हैं दोनों, तो होना ही पड़ेगा जीरो, ठीक है ना। तो हमको फॉर्मूला याद रखने के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स वो करनी है, बस ज्यादा फॉर्मूला नहीं रटना है। जैसे अपने एक दो एग्जांपल करते हैं, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये रॉड है, इसके ऊपर तुमको लैम्डा दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर, ये एंगल सपोज तुमको दिया हुआ है 30 degree, और ये एंगल सपोज तुमको दिया हुआ 60 degree। तुमसे पूछा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके ऊपर, तो मैं सिंपली लिख दूंगा। देखो मैं पहले लिखूंगा EX, फिर मैं लिखूंगा EY। मुझे पता है कि यहाँ पे क्या आता है, K lambda by R आता है ना। ओके, X कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, साइन आता है, कॉस आता है, कॉस आता है, कॉस आता है। एक्स में साइन आया था बे गधों, ये देखो ऊपर ही तो लिखा हुआ है। अरे ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो एक्स के अंदर साइन आता है, और एक्स कंपोनेंट के अंदर दोनों ही लोग क्या करते हैं, दोनों ही लोग सपोर्ट करते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने सिंपली लिख दिया साइन 60 प्लस साइन 30 कहाँ की तरफ आएगा, मुझे पता है बाहर की तरफ ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ वाई की, वाई का ये तो तुमको पता है ना कहाँ की तरफ आएगा फील्ड, मेरा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा। अबे गधों ऊपर का चचार ज्यादा है, ये देखो ज्यादा लोग हैं यहाँ पे पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव का फील्ड कैसा होता है, अवे हमसे दूर जाओ, यहाँ की तरफ आएगा ना, ये देखो ना यहाँ के लोग कम है। हाँ, तो जो तो कॉस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अरे तुम रुको, मैं तुमको वो बता रहा हूँ ट्रिक EY। अब मैंने जो वेक्टर है ना यहाँ की तरफ ले लिया नीचे की तरफ, तो अब सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, नंबर, क्योंकि आई हैव पुट द एरो। अब मुझे बताओ, मुझे पता है कि Y कंपोनेंट के अंदर कॉस आता है, और कॉस में क्या होता है, सबट्रैक होता है, तो क्या लिखोगे, कॉस 60 माइनस 30 या फिर 30 माइनस 60, कौन सी वैल्यू बड़ी होती है। cos 30 बड़ा होता है ना, तो मैं इसमें यहाँ लिखूंगा कि cos 30 माइनस cos 60, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, एरो तो मैंने अपने आप ही लगा दिया ना, मुझे पता है यहाँ की तरफ एरो आया है। तो जो एंगल है वो सिर्फ तुमको देखने हैं, ठीक है, दिमाग पहले लगाना है, फॉर्मूला बाद में लगाना है। तो लास्ट वाले पॉइंट में देखो भाई, तुमको ये तो पता है ना कि इस पॉइंट पे जो वाई कंपोनेंट आएगा दैट विल बी डाउनवर्ड्स। हाँ सर। यस, तो इतना पता है ना डाउनवर्ड्स होगा। हाँ, तो मतलब मुझे वेक्टर का डायरेक्शन तो पता लग गया, अब मुझे क्या चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे क्या होता है, थीटा 1 माइनस 2 होता है या 2 माइनस 1 होता है, नहीं ना, क्यों इतना सोचना है, हमको पता है, ठीक है। और जो मैं एक्स कंपोनेंट में, तो सोचना ही नहीं है, दोनों को ऐड करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ भाई ठीक है, चलो और चलो एक और करो, क्लास तो नहीं है ना इसके बाद कोई, या है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, तो आराम से 15 मिनट और ले सकता हूँ। अरे ठीक है, अभ्यास होता रहता है, ठीक है। सपोज ये तुम्हारे पास में एक रॉड है, यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ पे है बाहर, रोड के सामने है ही नहीं, और इसके एंगल तुमको ऐसे दिए हुए हैं, ये
ठीक है, ये एंगल 30, ये एंगल 60. अब बताओ अब क्या होगा. अब पहले तो मुझे है ना वो बताओ, डायरेक्शन बताओ कहाँ की तरफ आएगी, प्लस में माइनस में. ई एक्स तो इधर ही आएगा, और ई वाई कहाँ की तरफ आएगा, नीचे या ऊपर? सर ई वाई नीचे आएगा. नीचे आएगा ठीक है. अब हमको सर, को ई वाई भी ऐड होगा. क्या चीज़ सोच, चलो देखते हैं ना, पहले फॉर्मूला तो लिखो. अब देखो इसके अंदर जो दोनों ही एंगल हैं वो कैसे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं ना, तो कैसे बन गए एंगल? दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव बन गए. तो पहले मैं निकालूंगा ई एक्स, फिर मैं निकालता हूँ ई वाई. क्या होता है के लैम्डा बाई आर, तो वो तो मैंने लिख ही लिया. आर क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर. तो के लैम्डा बाई आर. अब लगाते हैं क्या आता है भाई, कॉस के अंदर क्या आता है, मतलब एक्स कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट के अंदर साइन आता है, साइन दोनों ऐड होता है. एक्स कंपोनेंट के अंदर दोनों ही ऐड अप होते हैं, लेकिन उस केस में एंगल कैसा होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. नेगेटिव है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो अपने दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि देखो ना चार्जेस मेरे पास में कम है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन 60 माइनस साइन 30, क्योंकि वहां जो एक और जो वो आता माइनस साइन, वो क्यों आया था, देखो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया था, ये कॉस माइनस थीटा वन था ना, तो कॉस माइनस थीटा वन नहीं, साइन माइनस थीटा वन इक्वल टू माइनस साइन थीटा वन हो गया था. ओके, और इसकी बात करें तो, कॉस की बात करें तो, ये अपने वाई की, वाई के अंदर क्या तुमको लग रहा है अपोज करने वाला कोई है इस बार, सब लोग एक ही साइड तो कर रहे हैं, तो सिंपली cos 60 प्लस cos 30, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, sin 60 माइनस sin 30 वाला पार्ट एक्सप्लेन करो प्लीज. हाँ, क्योंकि बेटा देखो इसके अंदर मेरे पास में जो थीटा वन है वो भी कैसा है, पॉजिटिव, थीटा टू भी कैसा है, पॉजिटिव, राइट? हाँ सर. तो मेरे फॉर्मूले में आओ, ऊपर वाले में देखो, अगर थीटा वन को अगर मैं पॉजिटिव कर दूंगा, तो जब मैं लिखूंगा ना कि मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मेरे पास में साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा ना. अच्छा हाँ, तो मतलब कि माइनस आना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हो ना कि भाई यहाँ पे स्पेस बना हुआ है ये वाला, तो मतलब कि मेरे पास एक्स कंपोनेंट को सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं, ठीक है ना, लेकिन जो वाई कंपोनेंट के अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि अपोज करने वाले लोग कम हैं, तो ठीक है अपोज करने वाले लोग कम हैं, तो कहानी खत्म, तो अपना प्लस आ गया, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, राइट? ठीक है. हाँ सर आ गया. अब इसी के अंदर स्पेशल केस आते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर क्या मतलब होता है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है एक एंड उसका इनफाइनाइट पे जा रहा है ये, और एक मेरा यहाँ पे फिक्स्ड है. हाँ एक एंड फिक्स नहीं, मतलब मुझे पता है वो कहाँ पे है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, मुझे यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आर है सपोज, यहाँ से यहाँ का जो तुम्हारा एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री. ओके, अब ये रॉड अगर बहुत लंबी है तो यहाँ का एंगल कितना बन जाएगा, देखो जैसे जैसे इस पार्ट की लेंथ बढ़ रही है, मेरा जो मैं ये जो हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि मैं एक्सपेंडिंग. तो अब बताओ ई एक्स क्या होगा एंड ई वाई क्या होगा. ई एक्स, एक्स कंपोनेंट में दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं, 30 प्लस 1 सपोर्ट कर रहे हैं, तो के लैम्डा बाई आर, तो क्या बन जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 30. अगर ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे अगर वो ऊपर होता रोड के, और वैसे ई वाई क्या बन जाएगा. अब देखो
यहाँ पे कॉमन सेंस बताओ कि ई वाई कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। ई एक्स ई वाई, तो मेरे को सिर्फ नंबर चाहिए। नंबर में मुझे क्या चाहिए, मेरे पास में दो एंगल हैं, एक एंगल 90 नहीं देखो, एक एंगल, हाँ एक एंगल 90 है, एक एंगल 30 है। कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो बस सिंपली यहाँ पे बन जाएगा जीरो प्लस कॉस 30, बस। फाइन। प्लस कैसे? अरे एक ही बात है ना, प्लस लगाओ माइनस लगाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ वो चाहिए ना, मैग्नीट्यूड चाहिए ना अब तो यहाँ पे। क्योंकि मैंने एरो तो पहले ही लगा दिया, वो मुझे पता है कि एरो कहाँ आने वाला है। तो अगर तुमको और भी अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, कॉस 30 माइनस कॉस 90, बिकॉज आई हैव पुट द एरो अपने अंडरस्टैंडिंग से कि भाई फील्ड तो नीचे जाने वाला है। ठीक है, और करो इनफाइनाइट। एक मिनट थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। सिर्फ वो जो हमारा जो एंगल है जो 30 डिग्री वाला, वो नॉर्मल और उसके बीच में ना लाइन के? नहीं 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 नहीं, वो है ये वाला है ना, ये यहाँ पे मैंने वो लगा रखा है, एरो लगा रखा है, देखो एरो। हाँ सर, वही वही वाला है, ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला ये वाला। हाँ ठीक है, अब इनफाइनाइट वायर, ये सबसे इजी है। मतलब यहां भी मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहां भी मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं मेरा जो भी पॉइंट आएगा इट इज एट एन सिमेट्रिक ओनली पोजीशन, है ना। यहाँ का एंगल भी नीचे यहाँ का, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि थीटा वन भी 90 है और थीटा टू भी 90 है। तो मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि ई जो वाई है वो तो कितना बन जाएगा, जीरो जीरो, और ई एक्स क्या बन जाएगा, k lambda by r, तो मैं लिख दूंगा sin 90 plus sin 90 मैक्सिमम हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2k lambda by r। यस हाँ भाई, कोई हमें अपोज करने वाला ही नहीं है ना इसमें यहाँ पे, और x को तो सपोर्ट करने वाले सभी लोग हैं, राइट। तो ये, और ये जो मेरा फील्ड है ये कहाँ की तरफ होगा बताओ। सपोज एक वायर है, ये वायर है राइट साइड अलोंग आर हो जाएगा। यहाँ भी कह सकता हूँ ना रेडियली आउटवर्ड। हाँ सर, अगर एक मैंने ये बना दिया, सिलेंडर बना दिया, तो मतलब सारे के सारे जो पॉइंट है, सपोज ये मेरा चार्ज पॉजिटिव है, तो हर पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर यहाँ पे, इधर यहाँ पर, यहाँ पे होगा ना, और हर पॉइंट पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। ये शायद तुमने उसके अंदर भी किया होगा, गॉस लॉ में किया, हाँ। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे, बस जो ऐसे आएंगे कि वायर वायर लगे हुए हैं, वो तो ठीक ही है, वो तो होते ही हैं, उसके अलावा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कहेंगे सपोज एक वायर है, इसके ऊपर तुमको चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव लैम्डा इनफाइनाइट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। करो भाई, तुमको पता है सर्कुलर मोशन करने के लिए पार्टिकल में सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज की वजह से, राइट। तो ये जो है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा यहाँ की तरफ, ई इंटू ई, तो ई, और फील्ड कितना है, के लैम्डा, नहीं हाँ सर के लैम्डा, इनफाइनाइट है ना,
तो 2k λ/r into e, ये तो बन गया फोर्स, एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो ओमेगा की फॉर्म में लिख दे तो mr ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा 2k λ/e/mr² स्क्वायर का रूट, राइट? फिर वो ओमेगा इक्वल टू 2πf कर देंगे। हमारा ओमेगा क्या होता है 2πf, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। सही है ना? तो क्वेश्चन को वो थोड़ा थोड़ा सा था कि भाई सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, उनकी मर्जी है यार। मतलब तुमको ये पता है कि चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगा रहा है, फोर्स के लगने के बाद में क्या करना है, वो तो हमारे पास में इनफाइनाइट ऑप्शन है। तुम उसको एक्सेलरेट करवा सकते हो, डिलेक्ट करवा सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन करा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब चलो एक होमवर्क क्वेश्चन तुमको देता हूँ, फिर क्लास एंड करते हैं। 3 लॉन्ग इनफाइनाइट वायर आर कैप्ड अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, जो भी हमारे स्टैंडर्ड एक्सिस होते हैं ना, ये होते हैं एक्सिस। तो 3 इनफाइनाइट वायर रखी हुई है पॉजिटिवली चार्ज, और तीनों के ऊपर लैम्डा दिया हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक पॉइंट मैंने लिया 1,1,1, तो मुझसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करो और अगली क्लास से पहले जो स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन है उनके अच्छे से प्रैक्टिस करना, इट्स वेरी यूजफुल। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे बनते हैं, और इसको अटेम्प्ट करना। हाँ, पीडीएफ से एससीवी से जहां से मिले, क्योंकि अब तो अपना लेक्चर अगले वीक ही है ना, इस वीक का तो है नहीं, क्या है इस वीक में और लेक्चर? नहीं, शायद इस वीक के अंदर लेक्चर और नहीं है मेरा तुम्हारे, तुम्हारा मॉर्निंग बैच वन नहीं है, तो फ्राइडे को अपना वो है ना डाउट सेशन है, ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत तो कर लेना ताकि डाउट सेशन में कुछ तो पूछो। चलो, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय।